फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक मीटर के साथ एक डीपी के कनेक्शन कैसे किए। ये एक डीपी स्विच है, मतलब कि डबल पोल स्विच, ठीक है। ये सिर्फ एक ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे इसका इंडिकेटर है। तो हम इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, मेन जो गवर्नमेंट से सप्लाई आती है, पोल से खंबे से जो सप्लाई आएगी वो कैसे इसके अंदर आएगी और यहां से कैसे आउटपुट होगी और कैसे इसके अंदर कनेक्ट होगी और कैसे आउटपुट जाके लोड कनेक्ट होगा, इस वीडियो में आप फुल ये ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। यहां पे आप एक मेन लाइन के कनेक्शन करना सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, जो ये है एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है एसी सिंगल फेज टू वायर स्टैटिक एनर्जी मीटर, ये इसकी डिस्प्ले है और यहां पे कुछ इंडिकेटर दिए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां पे इसका एक सर्किट डायग्राम है, जो कि मैं आपको एक इसका बॉक्स खोल लेता हूं, क्योंकि हमें कनेक्शन करने के लिए खोलना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, खोलने के लिए हमें इसको पेज स्क्रू को खोलना है। और फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं 1 2 3 4 टर्मिनल दिए हुए हैं यहां पे। इस साइड के है वो इनपुट है और इस साइड के आउटपुट है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारी खंबे से सप्लाई आएगी, पोल गवर्नमेंट से सप्लाई आ रही है, उस सप्लाई को हमने इस साइड जोड़ना है, ठीक है। और वो वाली वायर कम से कम 4 square mm की तो होनी ही चाहिए। अगर आपको अपने घर का लोड पता है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, अगर आपको लोड नहीं पता है तो कम से कम 4 square mm की केबल को जरूर यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं हमारे पास ये 2 4 square mm की केबल है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो रेड कलर का है ये तो है फेज वायर और जो ब्लैक कलर का है वो न्यूट्रल वायर। तो हम क्या करेंगे, जो फेज वायर आएगा फ्रेंड्स, फेज वायर को आपको यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो फेज वायर है वो इसी साइड कनेक्ट होगा, इस साइड, ठीक है। और यहां पे इसको हम कस देंगे। आपने उल्टा पुल्टा नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सिर्फ फेज को फेज की साइड लगाना है, न्यूट्रल को न्यूट्रल की साइड लगाना है। तो ये कनेक्शन हो गया है। अभी बारी आती है फ्रेंड्स न्यूट्रल की। न्यूट्रल वायर हमारा इनकमिंग है तो हमारा ये दूसरी साइड कनेक्ट हो जाएगा दूसरे टर्मिनल पे। इस तरह से इसको अच्छे से कस देना है, टाइट कर देना है, दोनों स्क्रू टाइट करने हैं, क्योंकि ये एनर्जी है, मेन लाइन सॉरी पावर है, मेन लाइन का काम है, क्योंकि हम दोबारा यहाँ पे करने वाले नहीं है, इसके ऊपर सील लग जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ये तो हो गए इसके इनपुट के कनेक्शन, अभी हम करते हैं इसके आउटपुट के कनेक्शन। आउटपुट के कनेक्शन करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, हमें लेनी है 2 wire और, जो कि लोड के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं या फिर हमें फिर वही 4 square mm की केबल को यूज करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो फेज वायर हम आउटपुट ले रहे हैं ना, वो हमें इस साइड वाले में लेना है, ठीक है, इस साइड वाले में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमें आउटपुट फेज कौन सी साइड से लेना है मीटर से, ठीक है। एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको मीटर का इसके अंदर का खोल के दिखाऊंगा कि क्यों हम इस तरह से इसके कनेक्शन करते हैं और इसके अंदर क्या क्या लगा होता है और ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये वाली वायर फेज वायर कनेक्ट कर ली है। फ्रेंड्स, अभी बारी आती है न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल हमें जो एक टर्मिनल बच गया हमारा, इसके सेंटर वाला जो इस साइड वाला है, इसको हम यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे के सारे टर्मिनल अच्छे से टाइट करने हैं। अगर लूज कनेक्शन होगा तो वहां पे स्पार्क होगा, स्पार्क होगा तो केबल हीट होगी, हीट हो जाएगी तो वहां पे जलने का डर रहता है और करंट भी ज्यादा चलता है वहां पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए मीटर के कनेक्शन, ये इनपुट और ये आउटपुट। इसके बाद हमें ये इसको इसके ऊपर कस देना है, जो कि टर्मिनल खोले ना दिखे, ठीक है। इसको हम कस देते हैं जल्दी से। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो के प्रति कोई सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। या अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो वो टॉपिक भी बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये हमारी आउटपुट सप्लाई निकल गई है, इसको हम साइड में लेते हैं। अभी बारी आती है डीपी स्विच के कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम डीपी स्विच के बारे में ही जान लेते हैं। डीपी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स डबल पोल, ठीक है। ये एक स्विच का काम करती है, ऑन और ऑफ। इसकी एक रेटिंग होती है जिस रेटिंग के ऊपर ये बना होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 ampere है और 240 वोल्टेज है, तो ये 32 एम्पियर तक ही करंट इसके अंदर से जा सकता है। इससे ज्यादा जाएगा तो इसकी अंदर जो स्ट्रिप होती है वो जल जाएगी। इसको खोलना बिल्कुल सिंपल है, ये 2 screw दिए हुए हैं, इसको ज्यादा ओपन बाहर नहीं निकलेगा, ये अंदर ही रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा लूज कर लेना है और खोल लेना है अंदर से, आपको पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये खुल जाता है। अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर टर्मिनल है और नीचे टर्मिनल है, और यहां पे एक ये लीवर दिया गया है जो कि सर्किट को ब्रेक
एंड मेक करता है, यानी कि ऑन ऑफ करता है, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं ये दो पत्ती लगी हुई है जो कि बिल्कुल बारीक सी लगी हुई है, ये करंट रेटिंग के हिसाब से दी गई है जो कि 32 एम्पीयर तक झेल सकती है, मतलब 32 एम्पीयर इसके ऊपर चला सकते हैं। तो यहां पे हम इनपुट सप्लाई कनेक्ट करेंगे, यानी कि जो मीटर से निकल के आई है वो यहां पे कनेक्ट कर देंगे और यहां से इसकी आउटपुट ले लेंगे। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, इस साइड वाली में फेज वायर कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्शन भी आपको बिल्कुल अच्छे से टाइट करने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, ये इंडिकेटर कैसे चलता है, क्योंकि इसके कनेक्शन तो इसके ऊपर, इसके अंदर कोई वायरिंग वगैरह की ही नहीं है, तो इसकी इंडिकेटर कैसे ऑन होता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये अभी न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा कट लगा लेते हैं क्योंकि थोड़ी ज्यादा लंबी वायर है ये, ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं। और इसका जो दूसरा न्यूट्रल वाला पॉइंट है उसको हम इसके दूसरे वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी कनेक्ट हो गया है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, आउटपुट में लोड कनेक्ट कर लेंगे। तो आउटपुट के लिए हम कोई भी वायर यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास लोड कम है तो हम लोड कम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हम ब्रेक करके इसको वायर को चेंज कर सकते हैं, ऑफ करके बंद करके यहां से वायर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला सर्किट है वो अगर पावर होगी तो उस टाइम पे चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे ये हमारे पास एक वायर है जो कि एक साइड हम फेज कनेक्ट कर देंगे और एक साइड हम न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमें आउटपुट सप्लाई मिल जाएगी और ये हमारा न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये तो हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। अभी बारी आती है फ्रेंड्स ये इंडिकेटर कैसे चलता है। तो इसको जब हम पलट के देखेंगे तो यहां पे दो स्प्रिंग लगे हुए हैं और वहां पे दो टर्मिनल बने हुए हैं। तो ये जो दो स्प्रिंग है फ्रेंड्स, ये जब इसके ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं तो यहां पे जो पत्ती है ये, इनके ऊपर आप देख सकते हैं सर्कल से बने हुए हैं, तो इन दोनों पत्तियों के ऊपर सेट हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर से फेज मिल जाएगा इसको इंडिकेटर को और यहां से न्यूट्रल मिल जाएगा। तो हम इस तरह से इसको लगाएंगे ना तो वो दोनों के दोनों इसके ऊपर फिट हो जाएंगे। तो इसको हम जल्दी से थोड़ा टाइट कर लेते हैं और उसके बाद आपको लोड डाल के इसको ऑन ऑफ करके दिखाते हैं कि कैसे ये ऑन ऑफ हो रहा है और कैसे यहाँ पे इंडिकेटर ऑन हो रहा है। हम यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाएंगे जो कि मेन बोर्ड है। तो फ्रेंड्स इसको हमने कर लिया टाइट। अभी हमारे पास एक बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये बोर्ड है, इसकी वायरिंग इसके अंदर जो इसका आउटपुट है, ये डीपी स्विच से आउटपुट है, इसको हम इस बोर्ड के अंदर कनेक्शन कर लेते हैं और बोर्ड के बाद आपको इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा। फ्रेंड्स ये एक चेंज ओवर हमने बनाया था, सिंपल चेंज ओवर। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो आप नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, हमने ऐसे ही बना रखा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम आपके लिए सिंपल चेंज ओवर स्विच बना देंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमने क्या किया, इसके जो आउटपुट वायर थी वो हमने इसके बोर्ड के अंदर जोड़ दिया है। अभी हम क्या करेंगे, यहां पे पावर ऑन करके इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सेट करके आपको दिखाते हैं, ये अभी डीपी स्विच है जो अभी बंद पड़ा है फ्रेंड्स। जैसे हम इसके अंदर पावर सप्लाई देंगे मीटर के अंदर, तो यहां पे इंडिकेटर हमारा मीटर ऑन हो जाएगा और इंडिकेटर डीपी स्विच का भी ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमारा जो मीटर है उसके अंदर भी रीडिंग आ रही है, यानी कि ये चल पड़ा है और ये पावर का इंडिकेटर भी ऑन हो गया है। और आप यहां पे देख सकते हैं ये इंडिकेटर भी ऑन हो गया है, लेकिन अभी स्विच बोर्ड में पावर नहीं आई है, लेकिन इसको ऑन करेंगे तो हम इसके अंदर पावर आ जाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसको हमने ऑन किया तो ये पावर इसके अंदर आ गई है। तो इस तरह से आप आसानी से एक मीटर, डीपी स्विच और मेन बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।